नाज़रीन एतज़ाज़ एहसन इमरान खान का खिलाड़ी निकला। नून लीग को तहरीक इंसाफ का पहला बड़ा झटका इमरान खान ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी न था। एतज़ाज़ एहसन नए निगरान वज़ीर आज़म इमरान खान ने बनीगाला में फैसला कर लिया। ज़रदारी और शहबाज शरीफ हैरान रह गए। इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का बादशाह, बात सच साबित हो गई। सारी गेम ज़रदारी और शहबाज के हाथ से निकल गई। इमरान खान ने पीडीएम के चाल को नाकाम बना दिया। अब पाकिस्तान की सियासत के फैसले बनीगाला से होंगे। इमरान खान ने अपना पैगाम अहम शख्सियात तक पहुँचा दिया। वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे इमरान खान एतज़ाज़ एहसन को पाकिस्तान का नया निगरान वज़ीरे आज़म बनाने जा रहे हैं और कैसे शहबाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी के दरमियान अब लड़ाई होने जा रही है। दोस्तों वो हो गया जो किसी ने सोचा तक न था। पाकिस्तान के सारे सियासी माहौल में इमरान खान बाजी ले गया। कप्तान के खिलाफ साजिश करने वालों को अपनी पड़ गई। पाकिस्तान की सियासत में कब क्या हो जाए ये किसी को पता नहीं होता। पहले ये बात इमरान खान के बारे में कही जाती थी लेकिन अब इमरान खान ने इसी बात को उलट कर दिया। इमरान खान की हुकूमत का यूं खत्म हो जाना पूरे पाकिस्तान के लिए सरप्राइज था। पाकिस्तानी अवाम को यकीन था कि इमरान खान 10 साल के लिए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं लेकिन इनके खिलाफ होने वाली साजिश से सब कुछ बदल गया। इमरान खान के दोस्त इनके दुश्मन बन गए। ये सब यूं अचानक हुआ कि अब भी इस पर यकीन नहीं होता। जब भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का नाम जहन में आए तो साथ ही इमरान खान का नाम भी जुबान पर आ जाता है। 26 साल की सियासत में जो इज्जत आज इमरान खान को मिली है इसका कोई सोच भी नहीं सकता था। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर बन चुके हैं और अवाम इनके नाम पर जान देने के लिए भी तैयार हो जाती है। यही इमरान खान की अब ताकत बन चुकी है। इमरान खान जहाँ जाते हैं अवाम का समुंदर भी इनके साथ होता है। ऐसे में अब पाकिस्तान की सियासत के फैसले करने का इख्तियार भी इमरान खान के पास आ चुका है। यूं कह लें पाकिस्तान के फैसले इमरान खान बनीगाला में बैठकर कर रहे हैं। अब जबकि शहबाज शरीफ हुकूमत छोड़ रहे हैं और आप किसी भी वक्त पाकिस्तान में इलेक्शन की खबर सुन सकते हैं, इसलिए अब पाकिस्तान निगरान वज़ीरे आज़म के इंतखाब की तरफ जा रहा है और ये काम भी इमरान खान के फैसले की वजह से इंतहाई दिलचस्प हो चुका है। इमरान खान ने पाकिस्तान के निगरान वज़ीरे आज़म के लिए एतज़ाज़ एहसन का नाम दे दिया है जिसने नून लीग और आसिफ ज़रदारी की नींदें उड़ा कर रख दी है। इमरान खान ने ऐसे मौके पर छक्का मारा जो कोई सोच भी नहीं सकता था। निगरान सेटअप तैयार, नामों पर गौर शुरू, कप्तान को बड़ी खुशखबरी मिल गई। नाज़रीन इस वक्त सियासी सूरतेहाल और इस्लामाबाद के मौसम का पारा सर्द होने के बजाय गर्म होना शुरू हो गया। कप्तान का आला अदलिया ने लॉन्ग मार्च के हवाले से हरी झंडी दिखा दी है। हुकूमती कोशिशें नाकाम, लॉन्ग मार्च के लिए राहें हमवार हो गई। दूसरे जन्म निगरान सेटअप के लिए फ्रेमवर्क तकरीबन मुकम्मल, नामों पर गौर जारी। लेकिन इस सारी सूरतेहाल में दिलचस्प ब्रेक थ्रू भी आ गया। इमरान खान की नाहली या कुछ और, तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन ने बड़ा ऐलान कर दिया। ये केस पीटीआई के हक में जाने के इम्कान ज्यादा, कप्तान एक बार फिर से सुरखरू होने जा रहा है। इन सब खबरों की तफसीलात एक एक करके आप तक पहुंचाएंगे। नाज़रीन निगरान सेटअप के लिए साबिक वजीर खजाना के नाम पर गौर हो रहा है। निजी टीवी चैनल GNN से गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी आरिफ हमीद भट्टी की जन्म से निगरान हुकूमत के क्याम के हवाले से बड़ा दावा किया गया। सीनियर सहाफी के मुताबिक निगरान सेटअप के लिए हफीज शेख के नाम पर बहस की जा रही है जबकि इमरान खान को मार्च में इंतखाबात का पैगाम भी दिया गया। जबकि सीनियर सहाफी खावर घुमन का कहना है कि मेरी इतला के मुताबिक मार्च के इर्द गिर्द शायद नई इलेक्शन की तारीख मिल जाएगी। 92 न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने मजीद कहा कि जमीनी हकायक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कराची से लेकर खैबर तक अवाम ने जो राय दी है इसका मतलब है कि मुल्क को अगर सियासी इस्तेहकाम देना है तो फिर फौरी इलेक्शन करवाए जाए। इस वक्त इमरान खान 15 करोड़ अवाम पर हुकूमत कर रहा है, इसके लिए इस्लामाबाद को बंद करना कोई मुश्किल काम नहीं। खबर घुमन ने मजीद कहा, इमरान खान ने मेरे सवाल के जवाब में कहा था कि बैक चैनल रबते हैं, मेरी इतला के मुताबिक मार्च के इर्द गिर्द शायद नए इलेक्शन की तारीख मिल जाएगी। जबकि साबिक ब्यूरोक्रेट और इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी कंवर मोहम्मद दिलशाद का कहना है कि अगर इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन को अपनी सीट से आगाह नहीं किया तो 30 रोज बाद स्पीकर कौमी असम्बली इन नशिस्तों को खाली करवा दे सकता है। अब ये स्पीकर कौमी असम्बली पर मुनहसर है कि वो अपना आईनी किरदार कैसे अदा करते हैं। इन्होंने पंजाब की सूबाई असम्बली में चौधरी निसार और सेनेट में इसहाक डार के 2 से 2.5 साल तक हल्फ न उठाने और सीट खाली करा दिए जाने से मुतल सवाल के जवाब में कहा कि वो एक अलग मामला था, दोनों एक एक सीट से जीते थे, मगर यहाँ इमरान खान के पास सब कुल 7 कौमी असम्बली के नशिस्ते हैं। इन्हें 30 रोज में 6 सीटें खाली करनी होंगी जिन पर दोबारा जिमनी इलेक्शन होगा और इमरान खान जिमनी इलेक्शन में दोबारा उम्मीदवार नहीं बन सकेंगे। दूसरी जनाब जो बड़ी खुशखबरी आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और पीटीए वालों को मिली है वह लॉन्ग मार्च के मुतालिक आई है। सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्ग मार्च के खिलाफ पहले से कोई भी हुक्म जारी करने से इनकार कर दिया और रिमार्क्स दिए हैं कि हुकूमत कानून के मुताबिक सूरतेहाल से निमट सकती है। जब हुजूम आएगा और कानून के खिलाफ वर्जी होगी तब ही हम मुदाखलत करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ विफाकी हुकूमत की तोहिन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की।
समाप्त शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल अशरफ औसाफ ने कहा कि वजारत दाखिला ने इमरान खान के खिलाफ तोहीन अदालत की दरख्वास्त है दायर की है। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान ने लॉन्ग मार्च के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी थी। इस दरख्वास्त के समाअत के दौरान अदालत को यकीन दहानी करवाई गई, लेकिन यकीन दहानी के बावजूद इमरान खान ने कारकुनान को डी चौक की कॉल दी। अशरफ औसाफ ने कहा कि मेरी अदालत से अबूरी हुक्म की भी इस्तदा है, जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या अबूरी हुक्म जारी करें। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इमरान खान इस्लामाबाद पर चढ़ाई को जहाद करार दे रहे हैं। इमरान खान तालीमी इदारों और यूनिवर्सिटियों में जा रहे हैं। रियासत की जिम्मेदारी है कि लोगों के बुनियादी हकूक की हिफाजत करें। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने करार दिया कि अगर किसी सियासी लीडर ने हमारे हुक्म की खिलाफवर्जी की तो इसके संगीन नतायज बरामद होंगे। बाद अज़ां अदालत ने इमरान खान के खिलाफ तोहीन अदालत केस की समाअत आइंदा बुध तक मुलतवी करते हुए अटॉर्नी जनरल को इमरान खान के साबिका एहतजाज से मुतालिक अदालती हुक्म पर जमा शुदा एजेंसियों की रिपोर्ट फराहम करने का हुक्म दिया। खान को मार्च में इंतखाबात का पैगाम भी दिया गया। जबकि सीनियर सहाफी खबर घुमन का कहना है कि मेरी इतला के मुताबिक मार्च के इर्द गिर्द शायद नए इलेक्शन की तारीख मिल जाएगी। 92 न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने मजीद कहा कि जमीनी हकायक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कराची से लेकर खैबर तक अवाम ने जो राय दी है, इसका मतलब है कि मुल्क को अगर सियासी इस्तेहकाम देना है तो फिर फौरी इलेक्शन करवाया जाए। इस वक्त इमरान खान 15 करोड़ अवाम पर हुकूमत कर रहा है, इसके लिए इस्लामाबाद को बंद करना कोई मुश्किल काम नहीं। खबर घुमन ने मजीद कहा, इमरान खान ने मेरे सवाल के जवाब में कहा था कि बैक चैनल रबते हैं, मेरी इतला के मुताबिक मार्च के इर्द गिर्द शायद नए इलेक्शन की तारीख मिल जाएगी। जबकि साबिक ब्यूरोक्रेट और इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी कंवर मोहम्मद दिलशाद का कहना है कि अगर इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन को अपनी सीट से आगाह नहीं किया तो 30 रोज बाद स्पीकर कौमी असम्बली इन नशिस्तों को खाली करवा दे सकता है। अब ये स्पीकर कौमी असम्बली पर मुनहसर है कि वो अपना आईनी किरदार कैसे अदा करते हैं। इन्होंने पंजाब की सूबाई असम्बली में चौधरी निसार और सेनेट में इसहाक डार के 2 से 2.5 साल तक हल्फ न उठाने और सीट खाली करा दिए जाने से मुतल्लिक सवाल के जवाब में कहा कि वो एक अलग मामला था, दोनों एक एक सीट से जीते थे, मगर यहाँ इमरान खान के पास सब कुल 7 कौमी असम्बली के नशिस्तें हैं, इन्हें 30 रोज में 6 सीटें खाली करनी होंगी जिन पर दोबारा जिमनी इलेक्शन होगा और इमरान खान जिमनी इलेक्शन में दोबारा उम्मीदवार नहीं बन सकेंगे। दूसरी जनाब, जो बड़ी खुशखबरी आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और पीटीए वालों को मिली है वो लॉन्ग मार्च के मुतालिक आई है। सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्ग मार्च के खिलाफ पहले से कोई भी हुक्म जारी करने से इनकार कर दिया और रिमार्क्स दिए हैं कि हुकूमत कानून के मुताबिक सूरतेहाल से निमट सकती है। जब हुजूम आएगा और कानून के खिलाफ वर्जी होगी तब ही हम मुदाखलत करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ विफाकी हुकूमत की तोहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल के सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। समाअत शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल अशरफ औसाफ ने कहा कि वजारत दाखिला ने इमरान खान के खिलाफ तोहीन अदालत की दरख्वास्त है दायर की है। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान ने लॉन्ग मार्च के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी थी। इस दरख्वास्त के समाअत के दौरान अदालत को यकीन दहानी करवाई गई, लेकिन यकीन दहानी के बावजूद इमरान खान ने कारकुनान को डी चौक की कॉल दी। अशरफ औसाफ ने कहा कि मेरी अदालत से अबूरी हुक्म की भी इस्तदा है, जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या अबूरी हुक्म जारी करें। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इमरान खान इस्लामाबाद पर चढ़ाई को जहाद करार दे रहे हैं। इमरान खान तालीमी इदारों और यूनिवर्सिटियों में जा रहे हैं। रियासत की जिम्मेदारी है कि लोगों के बुनियादी हकूक की हिफाजत करें। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने करार दिया कि अगर किसी सियासी लीडर ने हमारे हुक्म की खिलाफवर्जी की तो इसके संगीन नतायज बरामद होंगे। बाद अज़ां अदालत ने इमरान खान के खिलाफ तोहीन अदालत केस की समाअत आइंदा बुध तक मुलतवी करते हुए अटॉर्नी जनरल को इमरान खान के साबिका एहतजाज से मुतालिक अदालती हुक्म पर जमा शुदा एजेंसियों की रिपोर्ट फराहम करने का हुक्म दिया।